हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। आज मैं किसी को गिफ्ट देने के लिए ये कुछ प्लांट्स लगा के दूंगी। ये है बोगनवेलिया और ये मैक्सिकन पिटूनिया की दो वैरायटी है, पिंक वाली और वाइट वाली, और ये एक्जोरा है और कड़ी पत्ता वगैरह। तो इस तरह मुझे पांच प्लांट लगा के देने हैं किसी को। किसी ने डिमांड करी है तो मैं उनको लगा के दे रही हूँ। तो ये गमले भी दिए हैं उन्होंने, तो मैं इसी तरह से गमले और ये मैंने कटिंग वगैरह सब तैयार करके रख ली है। तो मैं चलो लगाती हूँ। और आपको मैंने सोचा आपको बता दूँ कि ये कटिंग्स भी इस टाइम पे लग जाएगी, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने लगी। तो मैंने कटिंग निकाली है मैक्सिकन पिटूनिया की। मैं इसके अंदर ये, वैसे तो इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये मौसम ऐसा है कि इसमें कोई भी प्लांट इजी टू ग्रो हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही लेते हैं। तो ये मैंने इसमें लगा लिया है और ये इसके अंदर बीच में मैं होल करके और इसको डाल दूँगी। ये सब आते हैं गार्डन देखने के लिए तो बोलते हैं कि भाई हमें तो लगाना आता नहीं है तो आप लगा के दे दो। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं हम ही। तो ये मैंने इस तरह से ये लगा दिया और ये दूसरी दो मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग से ये मैं ऊपर के टिप काट के लाई हूँ और मैं इन दोनों को एक ही गमले में लगाऊंगी। किसी किसी को शौक तो बहुत होता है लेकिन क्या है कि कई बार उनके हाथ से कटिंग सक्सेस नहीं होती है या लगाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। इस वजह से क्या सब लोग बोलते हैं कि भाई चलो आप लगा दो। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो गिफ्ट हो जाएगा इस बहाने हमारी तरफ से छोटा सा, और वैसे भी प्लांट गिफ्ट देना तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने भी सोचा चलो लगा देते हैं। और इस तरह से मैंने ये कटिंग्स काट के रखी है। तो मैंने इसको देखो कटिंग का 45 डिग्री मैंने इसका एंगल लिया है ये कटिंग का, और अभी जस्ट मैंने काट के रखी है। ये मैं नीचे से इसके कांटे वगैरह निकाल देती हूँ। इसके कांटे बहुत शार्प होते हैं, बहुत चुभते हैं। ये इसकी कटिंग है। अब आप चाहो तो इसमें वो लगा सकते हो रूटीन हार्मोन, अदरवाइज वो वैसे भी लग जाएगी। ये बारिश का मौसम है तो इस टाइम पे कोई भी कटिंग जल्दी होगी ग्रो, लेकिन मैं लगा देती हूँ क्योंकि मुझे किसी को देना है तो उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो इसी वजह से फिर मैं ये 100% श्योर होने के लिए ये सब लगा रही हूँ। बोगनविला की कटिंग लगाने में मुझे बड़ा डर लगता है। देखो आप लोग भी ऐसे लगा लिया करो, किसी को मना मत किया करो। कोई अगर प्लांट्स मांगता है, कोई कटिंग मांगता है, मैं बहुत सी जगह प्लांट्स की कटिंग लेने जाती हूँ तो बहुत से लोग मना कर देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता मुझे वो सब। तो मैं तो मना नहीं करती किसी को भी, बल्कि जितना होता है मैं उतना करके देती हूँ उन लोगों को। तो ये तीन प्लांट तो मैंने लगा दिए हैं, इधर मैं साइड में रख देती हूँ इनको। अभी पानी डालूंगी मैं उनमें, और ये दो प्लांट और हैं। तो इस तरह से मैं इनको पांच प्लांट्स लगा के देने हैं।
मैं समझती हूँ कोई अगर मांगता है तो तुम्हें कुछ आता है तो फिर उसको मना नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें आता है तो फिर भाव खाने की कोई जरूरत नहीं, मैं इतना समझती हूँ। इसके लिए मैं तो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ। तो ये मेरे एग्जोरा की कटिंग है, ये लाल वाला एग्जोरा है, तो ये भी इस मौसम में बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। तो आपको भी पता चल जाएगा कि कटिंग्स कौन कौन सी लगानी है इस मौसम में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ कि भाई आप लोग को भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया, और अब इसके जो ये फूल हैं ये सब हैं तो मैं इनको भी लगा दूँगी, फूल अच्छे लगेंगे देने में, थोड़ा सा गिफ्ट वाला लुक आ जाएगा इसके अंदर। अभी 2-3 दिन में इनको अपने घर में ही रखूँगी, उसके बाद में फिर उनको जब थोड़ा सा ये सेट हो जाएंगे उसके बाद में फिर मैं उनको दूंगी। ये इसके जो फूल हैं मैं इसी में लगा देती हूँ, ये 4-5 दिन तक खिले हुए रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। और ये कटिंग मैंने लगा दी है। अब एक कड़ी पत्ते का उन्होंने प्लांट मांगा था मुझसे, तो ये जो मेरा एक टब है जिसके अंदर मैं बीज लगाती हूँ उसमें मैंने कड़ी पत्ते के बीज डाल दिए थे। कड़ी पत्ते के मैंने इसके अंदर बीज डाले थे जो कि देखो फूटने लग गए, दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये रहे ये फूट रहे। तो मैं इनको बीज को धीरे से उठा के इस पॉट के अंदर रख दूंगी ताकि ये इसके अंदर भी उग जाए, लेकिन उसके पहले मैं इस पॉट में पानी डाल दूंगी क्योंकि बीज लगाने के बाद में मैं ज़्यादा डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। इसमें भी लगा देती हूँ साथ के साथ पानी। तब ये कैंची है मेरे पास में इस टाइम पे, तो मैं उसी की सहायता से देखो इसमें जड़ फूटने लग गई है, ये देखो। मुझे पता नहीं इस टाइम पे मैं इसको डिस्टर्ब करूँगी तो ये फिर से ग्रो हो पाएगा या नहीं, लेकिन मुझे तो उनको देना है तो मुझे इसको डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा। इसमें मैंने बहुत सारे बीज डाले थे ये देखो कड़ी पत्ते के, तो कड़ी पत्ते के बीज आप यूं भी डाल देंगे तो वो भी उग जाएंगे। तो इसको मैं बस ये पॉइंट है इसको डाल करके इधर साइड से, और मैं ऐसे कैसे इसको उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी इसमें जड़ ज़्यादा नहीं गई होगी अंदर। ओ देखो कितनी अच्छी रूट आ गई है इसकी, ये देखो है ना, ये नीचे तक रूट आ रही है। तो एक बीज तो मेरा ये हो गया, दो एक प्लांट मैं इनको दे दूंगी ताकि वो अपने घर में उगा ले। एक ये है, ये भी फूट रही है देखो इस तरह से, तो इसको भी मैं ऐसे कैसे लगा दूंगी। तो ये दो बीज मैं उनको लगा देती हूँ। तो मैं उंगली से गड्ढा करके, गड्ढा थोड़ा गहरा हो गया, इसको मैं घर करके और ये इस तरह से इसको लगा दूंगी और इसको तो मैं ऐसे ही रख दूंगी ऊपर। ये देखो मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है, अब ये जो फुटाव है ये निकल जाएगा और इसमें से भी निकल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मैं फिर किसी और वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। और आप लोग भी इसी तरह से औरों को गिफ्ट बना करके दे सकते हैं, किसी को मना मत किया करें प्लांट लेने के लिए और देने के लिए। तो
ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।